हाँ तो मैं आपको बताऊं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। पहला, फ्रैंकफर्ट फॉर संसद एवं इसकी विफलता। पहला, इन संसद में जर्मनी के सभी राज्यों के प्रतिनिधि भावी जर्मन संघ के संविधान बनाने के लिए एकत्र हुए थे। 1849 में संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उल्लेखनीय है कि संसद के प्रतिनिधियों ने में मध्यम वर्ग के लोगों की प्रमुखता थी, जबकि श्रमिकों और किसानों की प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त थी। तीसरा, इस संविधान के अनुसार भावी जर्मन संघ एक संवैधानिक राजतंत्र होगा। इस संसद ने प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सम्राट बनाने का निर्णय लिया, किंतु इसने इस ताज को अस्वीकार कर दिया, जिसके लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला, वह सीधे तौर पर ऑस्ट्रिया से संघर्ष नहीं चाहता था। दूसरा, अपने अहंकार व रूढ़ियों के कारण जनता से ताज प्राप्त नहीं करना चाहता था। तीसरा, बिस्मार्क ने उसे ऐसा नहीं करने की सलाह दी थी। चौथा, यद्यपि फ्रैंकफर्ट संसद उदारवादियों के आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर सका, फिर भी यह सर्वथा निष्फल न रहा। इसमें जर्मनी के एकीकरण के मुद्दे को विशिष्ट ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहां से बिस्मार्क ने इसकी बागडोर संभाल ली। विलियम प्रथम, इसका दृष्टिकोण व सैनिक सुधार। पहला, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के बाद यह शासक बना। इसका दृढ़ विश्वास था कि एक सशक्त सेना के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। फलस्वरूप इसने कुछ मंत्रियों के सहयोग से सैनिक पुनर्गठन का एक विस्तृत योजना बनाई, जिसके लिए निम्न सदन की स्वीकृति आवश्यक थी। निम्न सदन में उदारवादियों का बहुमत था, जिन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी, परंतु विलियम प्रथम संसद को भंग करके पुनः निर्वाचन करवाया, किंतु पुनः एक बार उदारवादियों को बहुमत प्राप्त हो गया। इस संवैधानिक गतिरोध की स्थिति में विलियम प्रथम ने अपने एक मंत्री की सलाह पर तत्कालीन फ्रांस के राजदूत को प्रसा का चांसलर बनाया। बिस्मार्क एवं उसका दृष्टिकोण। बिस्मार्क उदारवादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था। बिस्मार्क का कथन है, मेरा विचार है कि प्रसा के सम्मान के लिए एवं अन्य सभी चीज़ों से अधिक आवश्यक लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र के साथ संपर्क लज्जास्पद है। सम्राट द्वारा फ्रैंकफर्ट संसद के निमंत्रण को ठुकरा देने पर बिस्मार्क को प्रसन्नता हुई। इसने अपने सम्राट को सलाह दी थी कि फ्रैंकफर्ट संसद का ताज गौरवमय प्रतीत हो सकता है, लेकिन इस ताज की प्राप्ति प्रसा के पैतृक ताज के मूल्य पर होगी। बिस्मार्क ऐसा क्यों सोचता था कि जर्मनी का एकीकरण सिर्फ रक्त एवं लौह युद्ध एवं शक्ति से ही संभव है? बिस्मार्क का यह कथन, यह दृढ़ विश्वास था कि शक्तिशाली यूरोप राष्ट्र जर्मनी के एकीकरण को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शक्तिहीन प्रसा और आगे चलकर शक्तिहीन जर्मनी एक तो एकीकरण में असमर्थ होगा, और यदि एकीकरण हो गया तो शक्ति के अभाव में जर्मनी हमेशा पिछड़ा रहेगा। बिना सैनिक क्षमता के ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर नहीं किया जा सकता। वह शक्तियों के हस्तक्षेप, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस से छुटकारा सैन्य रास्तों से ही संभव है। फलस्वरूप प्रसा का एक सैन्य ताकत बनना आवश्यक है, तथा इसके लिए राज्य के समस्त साधनों का पर राज्य का अधिकार होना चाहिए। यह अधिकार कैसे संभव होगा? बिस्मार्क का यह अटूट विश्वास था कि एक शक्तिशाली राजतंत्र ही जर्मनी की समस्या का एकमात्र समाधान है। बिस्मार्क को अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कई आंतरिक, विलियम प्रथम बिस्मार्क की शिक्षाचारी नीतियों से परेशान हो जाता था। उदारवादियों की चुनौती तथा बाह्य चुनौतियां डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस का सामना करना पड़ा। जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण
डेनमार्क युद्ध और गास्टाइन समझौता, स्लेस्विक होल्स्टीन जैसे क्षेत्रों को प्राप्त करना भी उसका एक लक्ष्य बन चुका था। होल्स्टीन और स्लेस्विक जैसे दो क्षेत्र डेनमार्क के अधीन थे किंतु इसके अविभाज्य अंग नहीं थे। होल्स्टीन में जर्मन अच्छी संख्या में थे जबकि स्लेस्विक में डेन लोगों की संख्या अच्छी मात्रा में थी। लंदन में हुए एक सम्मेलन में यूरोप के शासकों ने इन रियासतों पर डेनमार्क के नियंत्रण को इस शर्त पर स्वीकार किया कि डेनमार्क कभी भी इनका विलय नहीं करेगा। संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब डेनमार्क ने इसका विलय करने का प्रयास किया। डेनमार्क के इस कार्यवाही पर ऑस्ट्रिया, प्रसा, जर्मन परिसंघ तथा कुछ अन्य यूरोपीय राज्यों द्वारा कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। अन्य पक्षों के विपरीत प्रसा इन रियासतों का विलय प्रसा के अधीन करना चाहता था। अब इस चीज में बिस्मार्क की कूटनीति क्या थी? बिस्मार्क ने क्या किया? बिस्मार्क ने सीधे डेनमार्क पर आक्रमण न करके ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया। इस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मन परिसंघ और जर्मन राज्यों को इस मुद्दे से अलग करके किंतु इन क्षेत्रों के भविष्य के बारे में जानबूझकर कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया ताकि भविष्य में ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क को पराजित किया। डेनमार्क को इन क्षेत्रों में अपना अधिकार छोड़ना पड़ा किंतु लंबे समय तक ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यह मतभेद चलता रहा कि इन जीते गए क्षेत्रों पर अधिकार किसका होगा और इनकी क्या व्यवस्था की जाए। अंततः 1865 ईस्वी में गेस्टाइन नामक स्थान पर दोनों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार स्लेस्विक प्रसा को और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। यह समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। इस समझौते के बाद बिस्मार्क ने कहा था कि मुझे विश्वास नहीं था कि कोई भी ऑस्ट्रियाई राजनयिक ऐसा होगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। हालांकि यह हुआ कि इस समझौते के द्वारा ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध की स्थिति टल गई। किंतु बिस्मार्क ने कहा था, हमने दरार को कागज से ढक दिया है। जर्मनी के एकीकरण का द्वितीय चरण ऑस्ट्रिया से युद्ध। सेडोवा का युद्ध 1866 में लड़ा गया। बिस्मार्क ने गेस्टाइन के समझौते पर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष की संभावना रख छोड़ा। अब बात करते हैं 20 साल और महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क के बारे में। कूटनीति और युद्ध बिस्मार्क के खून में था। इसने कूटनीति दो प्रकार की, पहला आंतरिक और दूसरा बाहरी। बाहरी में इसने इटली, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस से किया। आंतरिक कूटनीति इसने किया, बिस्मार्क ने अपने राजा को ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए तैयार किया। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा था, इससे तो युद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, अवश्यंभावी था। अभी स्थिति प्रसा के अनुकूल है, यदि अभी युद्ध नहीं होगा तो युद्ध बाद में होगा और उस समय स्थिति अनुकूल नहीं होगी। वाह कूटनीति में इटली, ब्रिटेन इस दौरान शानदार अलगाव की नीति का पालन कर रहा था, अर्थात यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति। फलस्वरूप ब्रिटेन की तरफ से हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रही। रूस, बिस्मार्क जब रूस में राजदूत था तो उसने रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ व्यक्तिगत मित्रता स्थापित की और क्रीमिया के युद्ध के दौरान ज़्यादातर यूरोपीय राज्य रूस के विरोधी थे, लेकिन उस समय प्रसा तटस्थ रहा। पोलैंड के विद्रोह को जर्मनी और यूरोपीय बहुमत के विरुद्ध लाकर दबाने का प्रयास किया। युद्ध 1866 ईस्वी में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया निर्णायक रूप से पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया की इतनी बुरी तरह से पराजय हुई कि प्रसा का सम्राट ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, किंतु बिस्मार्क ने कहा कि युद्ध का निर्णय हो चुका है,
हमें आस्किया के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब बात ये उठता है कि प्रशा ने अचानक युद्ध बंद क्यों किया। इसके तीन कारण हैं। पहला, यदि युद्ध चलता रहता तो यह तय है कि प्रशा के विरुद्ध कोई गुट तैयार हो जाए। दूसरा, नेपोलियन तृतीय दोनों के मध्य मध्यस्थता के लिए तैयार हो गया है। तीसरा, बिस्मार्क का उद्देश्य